अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ बेसन के भजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो अब हम शुरू करते हैं। 1 किलो बेसन में 5 तरह की चीज़ें बनाएंगे। देखिए, आलू के भजिए बनाएंगे। 2 आलू ले ली मैं, पालक ली मैं 10 से 12। देखिए, पालक के भजिए बनाऊँगी और पकौड़ी बनाऊंगी प्याज की। इसके लिए हम लेंगे, देखिए 1 किलो बेसन है, गरम मसाला, अदरक लहसुन, नमक 2 चम्मच, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, खाने का सोडा 1-1 चम्मच डाल लेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे 1-2 कप। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, इसे अच्छे से मिला लेंगे, पूरा मिक्स कर लेंगे। देखिए, फिर थोड़ा पानी डाल के देखिए कितनी अच्छे से, इसे थोड़ी सी ऐसा घट रहना चाहिए। देखिए, अच्छे से इसका पेस्ट बन गया। देखिए, अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब मैं आलू छिलकर कट करूँगी इसे मैं, और पालक को भी धो दूँगी। धोकर निकाल कर अलग रखूँगी मैं। देखिए, एक प्लेट में निकाल लूँगी पानी में से पालक को धो के। देखिए, इसे अलग अलग करके धोना चाहिए, पालक में भी मिट्टी होती है। देखिए, अब मैं आलू को काटूँगी। भजिए बनाने का है ना, वो उसके रेखे से कट 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 करूँगी। प्याज को भी कट करके रख ली थी मैं, और जो पेस्ट बनाई थी उसमें का आधा आधा करूँगी। एक आलू के भजिए बनाने के लिए आधा लूँगी, और पालक के भजिए के लिए आधा लूँगी, और आधा मैं पकोड़े बनाने के लिए लूँगी। देखिए, छोटे छोटे हैं ना, इसलिए मैं 3 एक जगह करके इसमें से डुबा कर डालूँगी। पैन को रख दी मैं पहले से तेल को गरम गरम के लिए। देखिए, ऐसा फुल फ्लेम पे रहना चाहिए, जल्दी से जल्दी अच्छे बन जाते हैं ये। देखिए, पैन छोटा ना, इसलिए मेरे पास ही एक ही जाली में ये। देखिए, फिर से पलटाएंगे अपन। देखिए, माशाल्लाह कितने अच्छे से कलर आ गया है इसका। देखिए, कितने अच्छे से कलर आ गया। मैं इसमें ये मैं निकाल लूँगी। ये बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए, एक प्लेट में डाल लूँगी मैं ऐसी, और मैं फिर से डालूंगी। और मैं देखिए इसी एक कर कर बना कर रख लूँगी अलग में, पालक के भजिए। देखिए, अब मैं रख ली है। अब आलू के भजिए बनाऊंगी। अब मैं देखिए आलू के भजिए बना रही हूँ। अब मैं देखिए कितने अच्छे से बन रहे हैं ना। वो खाते से सोडा डालना चाहिए आलू के भजिए बनाते हैं तो। आप उससे क्या है, भजिए से मोटे और उभार के दिख के आते हैं मोटे।
देखिए कितने अच्छे से फूले वो। देखिए अब मैं इसे भी निकाल लूँगी, अच्छे से माशाल्लाह लाल बन गए। देखिए ये भी निकालने में, और ऐसे कर कर एक एक बना लूँगी और मैं थोड़े। देखिए अभी दूसरे भी डाली में। देखिए और ये आलू थोड़े से बच गए थे तो मैं फ्रेंच फ्राइज बनाई। देखिए आलू बच गए थे थोड़े, तो मेरी बेटी बोले कि मम्मा थोड़ा ऐसा चाहिए मुझे, बोले तो देखिए ये भी बना ली मैं। बहुत आसान होता है बनाने के लिए। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से बने हैं ना। आलू बच गए थे भजिए बनाए बस, तो फिर मैं ये बना ली। और क्या हो गए? देखिए लाल हो गया, अब मैं ये भी निकाल लूँगी और मैं पकौड़ी बनाऊँगी। अब सबसे पहले मैं खारी बूंदी बनाऊंगी। देखिए ऐसा है आपके पास तो ऐसा गरम तेल में डालना चाहिए अलग अलग। देखिए देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से बन रहा है। देखिए गोल 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 खारी बूंदी। देखिए माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे से बन रही है ना, खारी बूंदी बोलते हैं इसे। देखिए लाल हो गई, मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए बेसन से बहुत सारे चीज़ें बनते हैं। देखिए कितने अच्छे से बने माशाल्लाह। एक कटोरे में पूरे निकाल लूँगी मैं। अब मैं प्याज की पकौड़ी बनाऊँगी। देखिए थोड़ा नमक कम था इसमें तो थोड़ा नमक डाल ली मैं। देखिए 1.25 किलो बेसन में बहुत सारे चीज़ें बन जाते हैं। देखिए मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी, थोड़ा नमक कम था तो डाली मैं। देखिए तेल गरम हो गया। एक एक करके पूरा डाल दूंगी मैं। देखिए अब पलटाऊंगी। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छे से बन गई पकौड़ी प्याज की। देखिए अब निकाल लूंगी मैं इसे। और मैं ऐसे बना लूँगी और थोड़े। देखिए देखिए पलटा ली मैं से। देखिए बनकर तैयार है। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से लग रही है ना, जैसे होटल की टाइप जैसी। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह रेसिपी अपनी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए पालक के भजिए भी देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से लग रहे हैं, प्याज के, आलू के, फ्रेंच फ्राइज। देखिए मैं इसमें
डाल रही हूँ थोड़ी काली मिर्च, गरम मसाला और चाट पाउडर उसके ऊपर से डाल रही हूँ। बहुत ही मज़ा आता है ये डालने से, खाने में बहुत ही अच्छी दिखती है ये रेसिपी। देखिए माशाल्लाह कितनी चीज़ें बना दी हैं, पाव किलो बेसन में सिर्फ देखिए कितनी सारी चीज़ें बन जाते हैं, सुकून से आप खा सकते हैं घर बैठे। देखिए मैं तोड़ के और बताऊँगी, देखिए कितनी अच्छे से बनी है रेसिपी अपनी। रमज़ान में इफ्तार के टाइम पे खाने का ही मज़ा कुछ और होता है। ये देखिए पकौड़ी भी मैं तोड़ के बताऊँ, देखिए होटल टाइप बनी है ना, देखिए ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता है, आप आसानी से घर बैठे बना सकते हैं, सुकून से खा सकते हैं। देखिए आलू भी थोड़े बच गए थे तो मैं कहीं को वेस्ट करूँ बल्कि टुकड़े टुकड़े कर कर ये भी बना ली मैं। देखिए अब मैं प्याज रख रही हूँ, आप घर बैठे 40 से 50 रुपए के बीच में इतनी सारी चीज़ें खा सकते हैं, जैसे बाहर जाकर नहीं उसे पैसों से ख़रीद के एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है, कौन कैसा तेल रखता है नहीं मालूम। देखिए पकौड़े भी बना दिए, ये देखिए मैं इसमें डालूँगी नमक और मिर्ची डालूँगी थोड़ी सी, मैं इसे तो बगारूँगी नहीं करी आपके से सिर्फ ऐसी। देखिए माशाल्लाह खाने में बहुत अच्छी लगती है ये, आप भी घर में बनाइए और मुझे याद कीजिए ज़रूर, मेरे को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कितने अच्छे से बने हैं, देखिए मैं इसमें बीच में रख लूँगी बूंदी। देखिए बीच में रख ली मैं ऐसा, देखिए नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी मैं। अल्लाह हाफिज़।